बॉर्नारा कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स ఈరోజ్ ఇది వీడియోలో నేను అంటే మై గురించి మాట్లాడదాం మై ఎలా యూస్ చేయాలి మై ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి మై ఎలా మాట్లాడాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ आज हम लोग इस वीडियो में मैं मतलब नेनू नेनू का प्रयोग कैसे करना है कहाँ करना है कब करना है नेनू इसके बारे में बात करेंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने बारे में बातें हो रही हैं। एक और फ्रेंड्स एक कल ही मैं कमेंट्स देख रही थी तो उसमें आया मैडम उद्दू का प्रयोग कब करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यूज ऑफ नो वाले वीडियो में लेदू उद्दू कादू नू ये सबके बारे में बहुत पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप एक बार उसको देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि लेदू उद्दू कादू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। एक बात और फ्रेंड्स बहुत सारी वीडियो अब तक तो बनाई जा चुकी है तो आप जो है एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए लर्न हिंदी और लर्न तेलुगु प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियो का वहां पे मिल जाएगा। नहीं तो उससे भी आसान क्या है deepadiary.com में यूट्यूब वीडियो जो सेक्शन लिखा रहता है ऊपर में उसको क्लिक करिएगा तो नीचे में लर्न हिंदी लर्न तेलुगु बहुत सारे वीडियो वहां पे रहेंगे तो आप वहां पर जाकर के आसानी से देख सकते हैं। तो वहां पे तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी क्योंकि सभी वीडियो वहीं पे ही है। तो यदि आप तेलुगु सीख रहे हैं ठीक है तो लर्न तेलुगु सेक्शन में जाइए और वहां पूरा दिन मिल जाएगा। फ्रेंड्स हिंदी నేర్చుకుంటే लर्न तेलुगु सेक्शन लो వెళ్ళండి అక్కడ మొత్తం వీడియోస్ ఉన్నాయి ఏదైనా చూడొచ్చు तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है फ्रेंड्स कि अब तो हम लोग गाने का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो गाना का ट्रांसलेशन में क्या है कि हम लोग हंसते खेलते तेलुगु सीख रहे हैं तो बस deepadiary.com के ट्रांसलेशन सेक्शन में जो ट्रांसलेशन सेक्शन है उसके ट्रांसलेशन सेक्शन में बहुत सारे गाने हैं ठीक है ना। तो आप वहां पे उस गाने और साथ ही साथ उस गाने का वीडियो भी है तो आप आसानी से देख सकते हैं उसका अनुवाद जान सकते हैं। तो हंसते खेलते तेलुगु सीखने से क्या है ना कि हम लोग सीख भी जाएंगे पता भी नहीं चल पाएगा। कहावत भी है आड़तू पड़तू पनी चेस्तुंते अल्पु शल्पु उंडदू तेलुगु में कहावत है। इसका मतलब क्या होता है कि हंसते खेलते काम करते रहने से हमें दर्द का एहसास भी नहीं होता काम भी हो जाता है दर्द का एहसास भी नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स समय बिल्कुल नहीं गंवाना है अब फटाफट हम लोग मैं नेनू कैसे यूज करना कहाँ यूज करना उसके बारे में बातें करें ठीक है। आइए देखते हैं जैसे बोलना है मैं कौन हूँ तो क्या बोलेंगे। मैं के लिए तो पहले जान जाइए कि मैं को बोलते हैं नेनू ठीक है इस चीज को बिल्कुल याद रख लीजिए मैं मतलब नेनू ठीक है। मैं कौन हूँ कौन के लिए क्या बताई थी एवरू नेन एवरू मैं कौन हूँ नेनू एवरू बहुत आसान है ना नेन एवरू मैं कौन हूँ। फ्रेंड्स मन तेलुगु लो चेप्तानु कदा नेनु एवरू नेनु की मैं चेप्पाली। फ्रेंड्स इंकोक्टी माट मैं चेप्पनप्पुडु चाला जाग्रत्तगा उंडाली मन हिंदी लो मैं चेप्तानु कदा तेलुगु वाळ्ळु चाला मंदी मे मई अला चेप्तारु अप्पुडु मनकी तेलिसिपोतुंदि वाळ्ळु हिंदी वाळ्ळु कादु तेलुगु वाळ्ळु। అట్లాగే మై చెప్పనప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే మై ఇట్లా చూడండి అండి ఇది మా ఉన్నాయి కదా మా మా మాలో ఐకి మాత్ర ఇది రెండు ఉంది చూడండి మై తర్వాత ఇది డాట్ ఉంది మై అలాగేనా మై అంటే డాట్ కూడా చెప్పాలి అండి మన అలా చెప్తాను కదా అండి చూడండి ఇది మా ఉన్నాయి కదా ఇది మా అయిపోయింది మేము అలా చెప్తాము మై 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 ఇది తెలుగులో ఉంది ఇది తెలుగులో హిందీలో కాదు ఓకేనా ఎందుకంటే మీరు హిందీ నేర్చుకోండి హిందీ నేర్చుకున్నప్పుడు మన కరెక్ట్ గా మాట్లాడొచ్చు అంటే మై చెప్పాలి మై 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 కాదు మై ఓకేనా మై అట్లాగే నాతో పాటు మీరు మై 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 అలాగే ఫోర్ ఫిక్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ అలా మాట్లాడండి మాట్లాడితే మీకు తెలిసిపోతాయి ఓకేనా మై మనం చెప్తాం కదా నేను ఎవరు ఎవరు అంటే కాన్ మై అప్పుడు ఇప్పుడైనా హూ యూజ్ చేయాలి मैं अंटे हूँ यूज चेयाली मैं तरह नेन एवरू मैं कौन हूँ अट्लागे नू एवरू तुम कौन हो अलागे ओके ना मैं कौन हूँ नेन एवरू। फ्रेंड्स अगला देखिए मैं क्यों जाऊं यदि हमें कहना है मैं क्यों जाऊं क्यों को क्या बताई थी क्यों को बताई थी इंदु को है ना क्यों को बताई थी इंदु को मैं को नेनू
नेनू इंदुकु। लेकिन कोई भी जब तेलुगु में बातें करते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं कहता नेनू इंदुकु वेल्लाली, ऐसा धीरे धीरे कोई नहीं बोलेगा नेनू इंदुकु वेल्लाली, ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ पे संधि हो जाती है, तो नेनू प्लस इंदुकु, नेन इंदुकु, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है नेन इंदुकु, नेन इंदुकु वेल्लाली, नेन इंदुकु वेल्लाली। फ्रेंड्स एक और चीज, ला जो है ना यहाँ पे जो ला है वेल्लाली, मैं यहाँ पे ला लिखती हूँ लेकिन ये ला नहीं है और ला है। देखिए ला होता तो तेलुगु में इस तरह से ला होता है ना, जिसे हम लोग हिंदी में देखिए ऐसे ला लिख लेते हैं, लेकिन वेल्लाली जब वहां प्रयोग करते हैं तो इस तरह का ला का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह का ला जो है ना रा, मतलब रा भी नहीं है ला भी नहीं है, उसके बीच में है, तो वेल्लाली। तो यहाँ पे वेल्लाली नहीं बोलना है, वेल्लाली वेल्लाली, ठीक है ना। तो नेन इंदुकु वेल्लाली, यदि शुद्ध तेलुगु सीखनी है जैसे उन लोग बातें करते हैं तो हमें फिर थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगा ना। तो नेन इंदुकु मतलब नेनु प्लस इंदुकु, नेन इंदुकु, देखिए यहाँ पे लिखा है नेन इंदुकु, नेन इंदुकु वेल्लाली, नेन इंदुकु वेल्लाली, मतलब मुझे क्यों जाना है, मुझे क्यों जाना या मैं क्यों जाऊं, नेन इंदुकु वेल्लाली, मैं क्यों जाऊं, ठीक है। फ्रेंड्स मैं तेलुगु में చెప్తాను కదా నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి, నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి కి నేను అంటే మై, ఎందుకు అంటే క్యూ, వెళ్ళాలి మతలబ్ జానా హై, తో లక్పతే మై క్యూ జావు, మై క్యూ జావు లమర్లా, ఓకేనా, మై క్యూ జావు। अगला देखिए, मैं किस जगह बैठू, मैं किस जगह बैठू, यदि बोलना है तो मैं के लिए तो नेनू, मैं के लिए नेनू, किस जगह एकड़ा बोलेंगे ना, इसको क्या बोलते हैं, किस जगह एकड़ा, तो फिर उसी तरह से नेन एकड़ा, नेनू एकड़ा कोई नहीं बोलता, ठीक है ना। नेनू एकड़ा मतलब कोई बोल रहा है, मतलब समझ जाइए कि ये लर्नर है, नया नया सीख रहा है, लेकिन आप एकदम बिल्कुल एक्सपर्ट जैसे बातें करना है तो क्या बोलेंगे, नेन एकड़ा, नेन एकड़ा, नेनू एकड़ा नहीं बोलेंगे, नेन एकड़ा, नेन एकड़ा कुर्चो वाली, तो कुर्चो भी नहीं बोलना है, लिखते कुर्चो है लेकिन नेन एकड़ा कुर्चो वाली, वहां पे रा जो है थोड़ा साइलेंट हो जाता है। नेन एकड़ा कुर्चो वाली मतलब मुझे कहाँ बैठना है, मैं किस जगह बैठू, नेन एकड़ा कुर्चो वाली, नेन एकड़ा कुर्चो वाली। फ्रेंड्स मैं तेलुगु लो चेप्तानु कदा नेन एकड़ा कुर्चो वाली, नेन एकड़ा कुर्चो वाली, आप हिंदी लो चेप्पालो मैं, नेने अंटे मैं, एकड़ा एकड़ा अंटे कहाँ, एकड़ा अंटे कहाँ, लेकिन किस 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 चेप्पोच्चु ओकेना, मैं किस किस जगह, किस जगह लेकिन कहाँ बैठू, कुर्चो वाली, नेन एकड़ा कुर्चो वाली, मैं कहाँ बैठू, मैं किस जगह बैठू, ओके ना। अगला देखिए, तुम करो मैं क्यों करूं, तुम करो मैं क्यों करूं, यहाँ पे ऐसा बोलना है, तुम करो नुचाई, नुचाई। फ्रेंड्स एक और चीज, बहुत बार सुनने में लगता है ना जैसे हम लोग तू कुत्तू बोल देते हैं, है ना, तुम कुत्तू बोल देते हैं, तुम करो तू कर ऐसा बोल देते हैं ना, तो कभी कभी लगता है कि नुबू को नू बोल देते हैं क्या, तो नुबू को नू कभी नहीं बोलते, बस जल्दी जल्दी बोलने में थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन वो नुबू ही बोलते हैं, ठीक है ना, नू नुबू, ठीक है, नुबू चाहिए, तुम करो नुचाई, नुचाई, ठीक है, नुचाई तुम करो, फिर मैं क्यों करूं, मैं कहूं के लिए क्या था, मैं क्यों, नैन इंदुकु, नैन इंदुकु, नैनू इंदुकु, ऐसा नहीं, नैन इंदुकु, ठीक है, नैन इंदुकु चाहिए, नुचाई नैन इंदुकु चाहिए, समझ गया ना। ऐसे जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करिए, मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी बोलने की आप भी कोशिश करिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मैं तेलुगु में చెప్తాను కదా నువ్వు చెయ్యి నేను ఎందుకు చేయాలి మనం చెప్తాను కదా హిందీలో చెప్పాలంటే తుమ్ కరో తుమ్ కరో మై క్యూ కరో నువ్వు నువ్వు అంటే తుమ్ తుమ్ చెయ్యి అంటే కరో చేయండి అంటే కీజియే చెయ్యి అంటే కరో తుమ్ కరో తుమ్ కరో నేను ఎందుకు మై క్యూ చేయాలి కరూ మై క్యూ కరూ ఓకేనా నువ్వు చెయ్యి నేను ఎందుకు చెయ్యాలి తుమ్ కరో మై క్యూ కరూ అగ్లా దేఖే మై ఉసే నహీ జానతా మై ఉసే తో మై కే లియే క్యా బోలెంగే నేను ఇత్నా తో యాద్ హి గయా నా ఉసే వాళ్ళని వాళ్ళని దేఖే యహాన్ పే విల్లా తో లిఖా హై క్యూంకి హమారే పాస్ వైసే లిపి నహీ హై లేకిన్ యహాన్ పే వహీ హై వాళ్ళని నేను వాళ్ళని ఠీక్ హై నా ఎర్గును 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 మత్లబ్ నహీ జాన్తి నేను వాళ్ళని ఎర్గును మత్లబ్ మై उन्हें नहीं जानती। फ्रेंड्स मैं तेलुगु लो चेप्तानु कदा नेनु वाळ्ळनि एरुगुनु अंटे मैं नेनु मैं वाळ्ळनि मतलब उन्हें एरुगुनु मतलब नहीं जानती ठीक है। अगला देखिए मैं बस में चढ़ गया या मैं बस में चढ़ गई ठीक है। यदि बोलना है किसी को मैं बस में चढ़ गया या मैं बस में चढ़ गई तो क्या बोलेंगे फिर बोलेंगे नेनु नेनु तो याद हो गया ना नेनु बस में
मैं के लिए क्या बोलते हैं, एक बार मैं बताई हूं मैं का प्रयोग, से का प्रयोग, तो मैं को जब भी प्रयोग करेंगे तो लो, उसको मैं बोलते हैं लो, बस लो मतलब बस में, बस में चढ़ गया इक्यानु, इक्यानु चढ़ गया या चढ़ गए, ठीक है ना। तो नेनु बस लो इक्यानु, मैं बस में चढ़ गया। नेनु कार लो इक्यानु, मैं कार में चढ़ गया, ठीक है ना। तो इक्यानु चढ़ गया। फ्रेंड्स मैं तेलुगु लो चेप्तानु कदा, नेनु बस लो इक्यानु, नेनु बस लो इक्यानु अंटे मैं, नेनु अंटे मैं, बस लो की फ्रेंड्स मैं चेप्पाली, लो मैं चेप्तानु कदा अप्पुडु मैं चेप्पाली, मैं बस में, बस में एक्यानु चढ़ गया, बस में चढ़ गया एक्यानु, ओके ना। अगला देखिए, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ये तो बहुत आसान है। मैं के लिए नेनु, खाने के लिए क्या होता है तिन होता है ना, तिन तिन मतलब खाना होता है ना, तो यहाँ मतलब सिर्फ नू लगा देना है, तिन्नु, ठीक है। नेनु तिन्नु मतलब मैं नहीं खाऊंगा, नेनु तिन्नु मैं नहीं खाऊंगा, नेनु चेप्पनु मैं नहीं बोलूंगा, नेनु वेल्लु मैं नहीं जाऊंगा। बहुत आसान है, बस केवल उसके पीछे नू लगा देना है। मैं यूज ऑफ नो वाले में बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ, बस नू लगा देने से हो जाता है। नहीं खाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, नहीं रहूंगा, ठीक है। तो नेनु तिन्नु मैं नहीं खाऊंगा। फ्रेंड्स मैं तेलुगु चेप्तानु कदा, नेनु तिन्नु, नेनु तिन्नु की मैं हिंदी लो मैं, नेनु की मैं, तिन तीन अंटे खाना है, खाना, ओके ना। नो नहीं, तो नहीं खाऊंगा इधर फ्यूचर टेंस लो कदा है ना, तीन नो मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ओके ना। अगला देखिए, मैं मानूंगा तब ना, यदि हमें बोलना है। यहाँ पर तो मैं का जो अलग अलग तरह से प्रयोग होता है उसको बता रही हूँ ना, तो यहाँ पे है जैसे मैं मानूंगा तब ना, यदि बोलना है मैं मानूंगा तब ना, तो मैं को क्या बोलते हैं, नेनु। मानूंगा ओप्पुकुंटेने, ओप्पुकुंटेने, ओप्पुकुंटेने का मतलब क्या होता है कि मानूंगा तब तो, कदा नेनु ओप्पुकुंटेने कदा, नेनु ओप्पुकुंटेने कदा, मैं मानूंगा तब ना, नेनु ओप्पुकुंटेने कदा, मैं मानूंगा तब तो, ठीक है। फ्रेंड्स नेनु ओप्पुकुंटेने कदा हिंदी लो मैं मानूंगा तब ना, मैं मानूंगा तब ना। अगला देखिए, मैं पराठा अच्छा बनाती हूँ, मैं पराठा अच्छा बनाती हूँ, मैं के लिए नेनु। पराठा को पराठा ही बोलते हैं, कहीं परोठा बोलते हैं, कहीं पराठा बोलते हैं, ठीक है ना। नेनु पराठा अच्छा, अच्छा के लिए क्या बोलेंगे, बागा, बागा बनाती हूँ, चेस्तानु, चेस्तानु बनाती हूँ, नेनु परोठा बागा चेस्तानु। जैसे मान लीजिए किसी को कुछ बोलना है कि मैं ये चीज अच्छा बनाता हूँ, तो पराठा की जगह बना दीजिए, पूरी बोल दीजिए, मैं पराठा में पूरी अच्छा बनाती हूँ, तो क्या बोलेंगे, नेनु पूरी बागा चेस्तानु। तो जो भी बनाते हैं बस परोठा के प्लेस पे उसको रिप्लेस कर दीजिए, हो जाएगा, है ना। तो नेनु परोठा बागा चेस्तानु, मैं पराठा अच्छा बनाती हूँ। फ्रेंड्स తెలుగులో నేను పరోఠా బాగా చేస్తాను చెప్పాలి, మే పరాఠా బాగా అంటే అచ్చా బనాతి హూ, చేస్తాను, చేస్తాను బనాతి హూ, ఓకేనా, మే పరాఠా అచ్చా బనాతి హూ। అబ్ ఏక్ ఆర్ జోర్దార్ సెంటెన్స్ మే కే బారే మే, ఠీక్ హై, థోడా లంబా హై, ఉత్నా భీ లంబా నహీ హై, లేకిన్ జోర్దార్ దేఖియే। ఉస్నే కహా, ఉస్నే కహా, ఠీక్ హై, మే ఏక్ ఫూటీ కౌడీ భీ నహీ దూంగా, उसने कहा मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। उसने कहा को क्या बोलेंगे, उसने कहा को बोलेंगे अतनु, अतनु चेप्पेडु, अतनु चेप्पेडु, उसने कहा अतनु चेप्पेडु, ठीक है। नेनु मतलब मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। एक को क्या बोलते हैं, एक, वक्कटी बोलेंगे ना, दो, रेंडु, ये तो पता चल ही गया होगा आपको, है ना। तो नेनु मतलब मैं, वक्क मतलब एक, चिल्लगव्वा फूटी कौड़ी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फूटी कौड़ी, तेलुगु बोलते हैं चिल्लगव्वा, चिल्लगव्वा, चिल्लगव्वा मतलब फूटी कौड़ी। इव्वनु, जैसे यहाँ पे नु, देखिए फिर यहाँ पे नु आया, जैसे बड़े तीन नु ऐसा होता है ना, तो इव्वो, इव्वो मतलब, मतलब क्या होता है, दो, ठीक है ना। नु मतलब नहीं, तो नहीं दूंगा, इव्वनु नहीं दूंगा, तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, वो क्या बोलेंगे, నేను ఒక చిల్లి గవ్వ ఇవ్వను, నేను ఒక చిల్లి గవ్వ ఇవ్వను, ఒక చిల్లి గవ్వ ఇవ్వను, ఠీక్ హై। తో ఉస్నే కహా,
उसने कहा, ये किसी और के बारे में बातें बताई जा रही है, उसने कहा मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अतनु चपेड़ नैनु इवनु, ठीक है फ्रेंड्स, मैं तेलुगु चप्ता कदा, अतनु चपेड़ की हिंदी लो उसने कहा चपाली, उसने कहा अट्लागे उसने कहा नेनु ఒక చిల్లి గవ్వ ఇవ్వను, చిల్లి గవ్వకి ఫూటి కౌడి చెప్పాను, ఓకేనా, మై ఏక్ ఫూటి కౌడి భి నహీ దూంగా, నేను ఒక చిల్లి గవ్వ ఇవ్వను, ఇవ్వను నహీ దూంగా, ఇవ్వు ఇవ్వు అంటే దో, ఇవ్వను నహీ దూంగా, ఓకేనా, తో మై ఏక్ ఫూటి కౌడి భి నహీ దూంగా, నేను ఒక చిల్లి గవ్వ ఇవ్వను, మై ఏక్ ఫూటి కౌడి భి నహీ దూంగా। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, है मजेदार? तो मैं यहाँ पे जितना भी मैं से संबंधित बनाई हूँ सेंटेंस, इसको छोड़ करके आप कोई दूसरा मैं से संबंधित एक सेंटेंस बनाइए और फटाफट कमेंट करिए, तो मुझे पता चले कि आप मैं का प्रयोग अब अच्छी तरह सीख गए हैं। फ्रेंड्स मेरू कुड़ा वक नेनू यूज चेसी अंटे मैं यूज चेसी वक सेंटेंस रायंडी, कमेंट चेयंडी, ओके ना, नेक्स्ट वीडियो मल्ली कलिद्दाम, बाय बाय।